हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड कोमल। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्किट का स्विस रोल बनाने के लिए ओरियो बिस्किट का ये मैंने एक बड़ा पैकेट लिया है और इसका क्रीम मैंने पहले से ही अलग कर लिया है। अब हम बिस्किट को ग्राइंडर में डालकर इसमें एक चम्मच चीनी डाल के अब फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, इसका पाउडर बन के रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे इसका आटा तैयार करने के लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच दूध डालेंगे। दूध हमें थोड़ा ही थोड़ा करके डालना है और हाथ से अच्छे से जिस तरह हम आटा सानते हैं उस तरह से इसका आटा हम अच्छे से सान लेंगे। ये देखिए, इसका आटा बन के रेडी हो गया है। थोड़ा 5 मिनट से रख देते सेट होने के लिए, तब से हम इसकी क्रीम की तैयारी कर लेते हैं। ये जो मैंने इसका क्रीम अलग किया था, अब इसमें हम करीब 1 चम्मच तक दूध डालेंगे और अच्छे से इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये अभी भी थोड़ा टाइट लग रहा है, अब हम इसमें 2 चम्मच और दूध डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसका क्रीम बन के रेडी है। और क्रीम बनाते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें दूध जो है हल्का सा गर्म दूध ही यूज करना है, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, और क्रीम भी इसकी नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए, नहीं तो ये अलग से मलाई छोड़ देगा। अब ये तो रेडी हो गया है। अब हम केक का ऐसा पेड़ा बना लेंगे। अब हम इस पेड़े को ऐसे पन्नी के ऊपर एक रख देंगे और दूसरी पन्नी से ऐसे कवर करके इसका हम रोटी बना लेंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं। अब हम इसको शेप इसका मेंटेन कर लेंगे, इसको स्क्वायर शेप दे देंगे। ये देखिए, अब हमने जो क्रीम बनाई थी वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। ये अच्छे से स्प्रेड हो गया है। अब हम इसका रोल बना लेंगे इस तरह दबाते हुए। ये देखिए, अच्छे से रोल हो गया है। अब हम इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए, इसे मैंने पॉलीथिन से निकाला है और प्लेट में रखा है। और अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा लग रहा है। ये देखिए, अंदर से कितनी अच्छी डिजाइन है इसकी। इसी तरह से पूरा हम कट कर लेंगे। तो देखिए, हमारा स्विस रोल बनके रेडी है। तो चलिए इसे खाते हैं और इंजॉय करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।